दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये है एक छोटा सा ट्रिप हमारा हरिद्वार का, दिल्ली से हरिद्वार का। तो हम लोग अभी जा रहे थे और पहुंच चुके हैं यहाँ पे हरिद्वार। जैसा कि आप देख सकते हैं, सीधे हम लोग घाट पहुंचते हैं। हर की पौड़ी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा तेज़ धारा है इस टाइम पे। लेकिन अभी हो चुकी थी शाम, हम लोगों को सुबह मेनली गंगा जी की आरती देखनी थी और साथ में मतलब स्नान भी करना था। तो चलिए आपको और भी क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब घाट के आसपास, उसका पूरा व्यू देते हैं। शाम का टाइम था बट उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग स्नान करते हुए दिख रहे थे। अभी मैंने आपको जूम करके ऊपर माता का मंदिर दिखाया, यहाँ से दिखता है। अब हम लोग इसको क्रॉस करके जा रहे हैं दूसरे साइड, जहाँ पे मतलब मेन घाट है। तो दूसरे साइड उतनी भीड़ नहीं होती है, लेकिन जिस साइड आरती वगैरह होती है आप देख सकते हो, यहीं से आपको लोग दिख रहे होंगे। बहुत ज़्यादा रश होता है और रास्ते में आपको इस तरीके से जैसे रुद्राक्ष के फल हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पूजा से ही रिलेटेड आपको देखने में मिल जाएंगी। मैं आपको पूरा सीन दिखाते हुए चल रही हूँ कि किस तरीके का सिनेरियो था। यहाँ पे आने के बाद हमें एक दो चीज़ें और पता चली कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्कैम भी चल रहे हैं। चोर उचक्कों से तो सावधान रही, उसके अलावा बढ़िया सूट बूट पहन के यहाँ पे एक तरीके का स्कैम भी चल रहा है। अभी आपको मैं आगे बताऊंगी कि किस तरीके से आप मतलब वो इतने कॉन्फिडेंस में आपके सामने आते हैं ना, आप समझ भी नहीं पाओगे और आप उनको पैसे दे दोगे। तो उन सारी चीज़ों से सावधान रहना है। मैं मतलब आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि किस टाइम पे वो आपके सामने आएंगे और किस तरीके से आएंगे। तो थोड़ा सा उन सब चीज़ों को दिमाग में रख के ही यहाँ पे जाएं। भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि हर कोई इसमें अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही लेता है गलत काम करने के भी। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों से दूर रहें। अब यहाँ पे जहाँ पे गौशाला थी दोस्तों, उसी के सामने ही हम लोगों ने होटल ले लिया था अपना। बहुत ज़्यादा रश था और हमें सिर्फ एक रात काटनी थी और सुबह स्नान करके निकलना था यहाँ से। तो हमने यहाँ पे ले लिया था, थोड़ा सा गली गली में जाके था, क्योंकि आसपास मतलब होटल्स मिलने, अच्छे होटल्स मिलने थोड़ा सा मुश्किल होते हैं ऐसी जगहों पर। बट हमें एक डिसेंट सा मिल गया था। अब रात हो चुकी थी तो हमने सोचा कि रूम पे क्या बैठना है, चलिए एक बार देखते हैं, घाट के दर्शन करके आते हैं कि क्या हो रहा है, कितनी रौनक है। तो चलिए आपको रात के टाइम पे हरिद्वार में घाट के आसपास क्या होता है वो दिखाते हैं, और शाम की भी आरती होती है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि क्या सीन है। आप देख सकते हो यहाँ पे खाने पीने का बहुत ज़्यादा मतलब, यहाँ पे फलूदा, पूरी सब्ज़ी और चोटी वाला रेस्टोरेंट इतने ज़्यादा थे ना, पाँच छः थे। मुझे समझ में नहीं आया कि कौन से असली हैं कौन से नकली हैं, तो भरे पड़े हैं। मेनली यहाँ की जो मेन खाना होता है वो पूरी सब्ज़ी ही थी, कद्दू आलू की सब्ज़ी पूरी, और उसके साथ एक दो सब्ज़ियाँ और थी। अभी हम लोग ने रात में ऑर्डर भी किया था, अभी आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरीके से मतलब पत्ते पे सर्व करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है, स्वाद भी बहुत अच्छा होता है, पूरी तरीके से सात्विक होता है बिना लहसुन प्याज का। अब रात में आप घाट का सीन देखिए, इतना ज़्यादा खूबसूरत था, मतलब दिन में भी खूबसूरत था लेकिन रात में और ज़्यादा मतलब एक तरीके से खूबसूरती बढ़ गई थी। लेकिन पानी देख के ना डर भी लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा धारा थी। यहाँ पे गंगा जी का जो प्रवाह है वो नॉर्मल जगह से बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो इसी वजह से मतलब पैरीगेटिंग हो रखी है और स्नान करने के लिए ऐसे मतलब वो पोल्स लगे हुए हैं कि आप उसके उस पार मत जाओ, नहीं तो आप बह ही जाओगे। तो जब भी जाएं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। जंजीर भी दी हुई है कि आप नहाते वक्त उसको होल्ड करके मतलब पकड़ के ही करें, क्योंकि धारा बहुत तेज़ है। मे बी आपको वीडियो में उतना ना पता चल रहा हो बट ट्रस्ट में बहुत तेज़ था। तो देखिए रात में भी इतनी रौनक है और रात में भी घाट में लोग स्नान कर रहे हैं, जिनको जब टाइम मिलता है दोस्तों, लोग मतलब मौका ऐसा नहीं छोड़ते हैं। ये देखिए रात के टाइम पे भी कितनी ज़्यादा भीड़ है, और आरती हो चुकी थी दोस्तों जिस टाइम पे हम पहुँचे थे। अभी आगे ये देखिए, ये लिखा हुआ है लेकिन अस्थि प्रवाह वाला थोड़ा सा आगे है वो घाट, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मेनली लोग स्नान वगैरह करते हैं और गंगा जी की आरती होती है। ये है हर की पौड़ी का मेन स्थान, यहीं से हम लोग सुबह गंगा की आरती मतलब देखने के लिए आए थे। यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग फोटो सेशन कर रहे हैं, रात का टाइम था, सब थोड़े से थक भी गए थे, लेकिन ये हुआ कि यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा बहुत मतलब फ़ोटो सेशन कर लेते हैं। तो फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से सिनेरियो था, हम लोगों ने अच्छे से फुल ऑन एंजॉय किया। फिर उसके बाद हम लोग जल्दी चले गए सोने के लिए, क्योंकि सुबह हमें आना था यहाँ पर गंगा जी की आरती देखने के लिए 4 बजे के करीब। हालांकि होती 5 बजे के करीब है, लेकिन सुबह उठ के तैयार होके हमें आना था। 9:30 बज चुके थे, तो इस टाइम पे हम लोगों ने सोचा कि थोड़े बहुत सामान ले लेते हैं, क्योंकि सुबह हम लोग जल्दी में रहेंगे, उस टाइम पे नहीं हो पाएगा। तो थोड़े बहुत हमने अपनी पसंद के सामान खरीदे यहाँ से, फिर उसके बाद हम खाने के लिए चले गए। और खाने में आप देख सकते हो यहाँ पर हमने वही जिस पूरी सब्ज़ी की मैंने बात की थी वो सर्व हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे स्कैम के बारे में। जब भी सुबह आप स्नान करने जाओगे ना, बढ़िया सूट बूट पहन के बिल्कुल प्रोफेशनल बन के, आपके सामने ना कई लोग आएंगे पर्चा काटने कि स्नान करने का घाट का पैसा लगता है, मतलब आप वो मतलब पैसे उनको दो। तो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में नहीं फंसना है, कोई पैसे वैसे नहीं लगते हैं, बिल्कुल फ्री है यहाँ पे स्नान।
बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे बिल्कुल फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ। बोलते हैं ना, जो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं या फिर झूठ बोलते हैं, वो कॉन्फिडेंस एक्चुअली जो लोग सच बोलते हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छे से बोलते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है। तो जिनमें भी ज़्यादा दिखे ना, उनसे सावधान रहें। और कोई भी कहीं पे भी स्नान करते वक्त घाट पे किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, घाट सबका है, भगवान सबके हैं। सुबह सुबह का एकदम अर्ली मॉर्निंग जो गंगा जी का स्नान होता है वो सब करने के बाद, अभी आपको आरती का भी दृश्य मैं दिखाती हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना सुकून मिलता है ऐसी चीज़ें देख के, अपने आप ही बहुत अच्छी मतलब अंदर से एक होता है खुशी और एक होता है आनंद, एक्चुअली इंसान आनंद से भर जाता है ऐसी चीज़ों को देख के। तो बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि बहुत लकी थे हम लोग इतने अच्छे से मतलब माता गंगा की आरती सुबह देख पाए। फिर उसके बाद वापस से हमारा दिल्ली आना हो गया, तो रास्ते में एक भगत जी की शॉप पड़ती है ऐसे छतौली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है शायद, वहाँ पे रुके हम लोगों ने अपना थोड़ा बहुत स्नैक्स एंजॉय किया, फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके बताना ना भूले, और इसी तरीके के और भी ट्रिप्स के लिए और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय।